हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप पहले की तरह लाजवाब होंगे, यानी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चलिए, आज हमारे पास एक मच्छरदानी है जो कि कट गई है और इसे रिपेयर करेंगे, क्योंकि मच्छरदानी का कटना ठीक नहीं है। तो समझ लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सीज़र चाहिए और हमें एक वाइट या सेम कलर का मिल जाए आपको, ये नाइलोन का थ्रेड है। जी हाँ, इसे हम पीको का धागा भी बोल सकते हैं जिससे पीको करते हैं। और एक सुई चाहिए, 9, 10, 11, जो भी आपके हाथ पे अच्छी चलती हो। मैं 10 का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, हमने धागे को कट कर लिया है और इतने पतले तार को आप सुई के अंदर कैसे पिरोते हैं ये आपकी ट्रिक होगी। लेकिन एक ट्रिक और देख लीजिए, ये देखिए सुई में धागा डल चुका है। आपको अपनी आंखों पर यकीन करना ही होगा। जी हाँ, एक बार तो मैं भी शॉक्ड हो गया, मैंने इतनी जल्दी डाल के से दिया। चलिए, हमने धागा पिरो लिया है और धागे के आखिरी हिस्से में हमने गांठ नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है वो देखेंगे। अब ये जो मच्छरदानी है ये नेट की तरह होती है, पूरी नेट ही है ये, और इसको रिपेयर करने के कई तरीके होते हैं जिसमें से एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके दोनों हिस्से हम मिला लेंगे और आगे से थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसको कर लिया है। आखिरी हिस्से में जो थोड़ा सा धागा बचेगा, यानी इसका जो सिरा होगा, उसे हम अंगूठे के नीचे दबा लेंगे, यानी कि अपनी उंगली के नीचे दबाना है। गांठ नहीं लगानी है, सिर्फ रोक लेना है अपने हाथ से ही। ठीक है, फिर उसी के ऊपर हमको महीन महीन स्टिचिंग करनी है, सिलाई करनी है, बिल्कुल महीन। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं होगी, खाली होल तो हो रखे हैं इसमें पहले से, उन्हीं होल के अंदर डालना है और दूसरे होल से बाहर निकालना है बारीक बारीक। ऐसे ही आपको रिपेयर करनी है, क्योंकि मच्छरदानी बहुत इम्पोर्टेंट होती है और ख़ासकर जब बारिशें पूरी होती हैं तब तो मच्छर इतने होते हैं कि बहुत ज़्यादा। और मच्छरदानी ऐसे समय पे कट जाए तो आपको पता है मच्छर, डेंगू, मलेरिया कितनी तरह की बीमारी करते हैं। तो आप भी अपनी कटी हुई मच्छरदानी को इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं घर पर, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए कितना आसान है इसको रिपेयर करना। और एक तरीका और होता है जो हम घर में करते हैं, उसको मोटे मोटे जो रील का जो थ्रेड होता है वो मोटा होता है, उससे हम इसको एक गांठ की तरह इसको बना लेते हैं, तो वो अलग ही दिखती है, एक मोटी सी, यू नो, जैसे पीको वाली जो हिस्सा होता है, पीको वाला, पीको होने के बाद जो मोटी मोटी सी वो लाइन दिखती है ना, ऐसी ही वो लाइन अक्सर हम बना देते हैं। लेकिन ये एक अलग तरीका है, आप इसे देख के बनाएंगे तो जो मोटी मोटी जो लाइन होती है वो नहीं बनेगी, बारीक लाइन होगी, बिल्कुल ऐसे ही। आपको हल्की हल्की इसकी सिलाई करनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, कि जो भी आप इसमें सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, बिल्कुल, कि आप अपने कटे हुए कपड़ों को कैसे रिपेयर कर सकते हैं घर पर खुद से, तो आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स वो भी इसे सीख जाएं। और आप मेरी बात सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैसे पता चला कि आप सुनते हैं? मुझे YouTube बताता है कि आप मेरी बात सुनते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि जब मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो पिछले वीक आपने 200 बार अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ वो वीडियो शेयर किया था। जी हाँ, ऐसे मुझे पता चलता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो आर्ट आप सीख रहे हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड सर्किल में भी है, सीख जाएं, इसलिए आपने शेयर किया, आपने, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, हमारा ये बनकर लगभग तैयार ही है। ये देखिए, आखिरी पॉइंट में आ जाएंगे हम, वहाँ पर इस तरह से आपको धागे को रोकना है। ये देखिए, वो जो फंदा निकलता है उसी के अंदर सुई को डालकर उसे एक गांठ की तरह लगा देनी है, अलग से नहीं लगानी, वो वैसे ही लग जाती है। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार है। अब इसका ये देखिए, अभी थोड़ा मोटा दिख रहा है ना, बैक साइड से इसका जो एक्स्ट्रा निकल रही है, जो नेट निकल रही है, उसे हम कैंची की मदद से काट लेते हैं। इसे काटने के बाद आपको नहीं लगेगा कि वो एक मोटी मोटी सी लाइन सी बन गई है, बल्कि बारीक सी एक लाइन होगी, पतली। देखिए, तो आप भी अपनी मच्छरदानी का ख्याल रखिए, अगर वो कट जाती है तो बड़ा ही नुकसानदेह है।
तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखें। गुड बाय।